उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको मास्क जो है हरदम लगा के रखना होगा, ठीक है। और उसके बाद अपने हाथों को साबुन से धोना होगा, सैनिटाइजर से सैनिटाइज करते रहना होगा, और अपने घर में जरूरत पड़े तो आप बाहर जाए, नहीं तो आप घर में रहें। और हम तो अपने घर में वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, और हम तो डेली ये सभी चीजों का यूज कर रहे हैं। फिलहाल अभी हम स्वस्थ हैं, और बीच में मेरा तबीयत थोड़ा सा खराब होने की वजह से बीच में वीडियो नहीं आया, उसके लिए हम माफी चाहते हैं, ठीक है। अभी आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, ठीक है। चलिए आज हम लोग एक फिजिक्स का चैप्टर उठाए हैं जिसका नाम है मोशन। इसका जो भी कंटेंट होगा एनसीईआरटी क्लासेस का होगा, एनसीईआरटी बुक का होगा, ठीक है। और ये बेस जो होगा 9th क्लास का बेस होगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। तो पहला लेसन आपका क्या है, मोशन है। और मोशन में सबसे पहले हम लोग रेस्ट एंड मोशन की बात करेंगे, ठीक है। रेस्ट एंड मोशन की बात करेंगे। पहला टॉपिक आपका रेस्ट आता है, ठीक है। तो रेस्ट देखिए, हम लोग प्रतिदिन क्या करते हैं, हम लोग प्रतिदिन ऑब्जर्व करते हैं कि हमारे आसपास जितने भी वस्तुएं होते हैं, या तो वो गतिशील होते हैं, नहीं तो रेस्ट होते हैं। जैसे आप देखे होइएगा, सुबह उठते हैं तो बहुत सारे चीजों पर आप ध्यान देते हैं, बहुत सारे वस्तुओं पर ध्यान देते हैं। वो वस्तु जो होता है या तो रेस्ट में रहता है, नहीं तो गतिशील होता है, ठीक है। तो सबसे पहला चीज हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो फिजिक्स का फर्स्ट लेसन है, बेस ऑफ 9th क्लास, और टॉपिक जो है रेस्ट है। देखिए रेस्ट में क्या पढ़ना है, देखिए कोई भी वस्तु जो होता है वह विराम में रहता है, कोई भी वस्तु जो होता है विराम में रहता है, तब तक विराम में रहेगा जब तक उसपे उसको कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया जाएगा, तब तक वो क्या करता है, विरामावस्था में रहता है, ठीक है। जैसे देखिए हम इसका ये क्या करते हैं, चलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, विराम को एक ग्राफ द्वारा प्रेजेंट करते हैं ताकि आपको बेहतर समझ में आ जाए, ठीक है। एक मैंने ये क्या किया, ग्राफ बना लिया, ठीक है। ये हो गया वाई एक्सिस, हो गया ये आपका एक्सिस हो गया, ये पोजीशन हो गया, ये हो गया आपका टाइम, ठीक है। ये पोजीशन को प्रेजेंट कर रहा है और ये टाइम को प्रेजेंट कर रहा है। देखिए हम लोग क्या करते हैं, किसी भी वस्तु को यहां से हम एक और लाइन खींचते हैं ऐसे, ठीक है। अब देखिए ये इसका क्या हो गया, पोजीशन हो गया, किसी वस्तु का पोजीशन हो गया, ये क्या हो गया, टाइम हो गया। ये टाइम जो है क्या कर रहा है, निरंतर चल रहा है, ये निरंतर क्या हो रहा है, चल रहा है। टाइम आपको पता है कि टाइम किसी के लिए नहीं रुकता है, टाइम हमेशा चलते रहता है, ठीक है। तो ये वस्तु का पोजीशन हो गया। अगर मान लेते हैं किसी वस्तु को हम यहां पे रखे हैं, ठीक है, और टाइम जो है चल रहा है निरंतर, यहां पे 7 बज रहा है, ठीक है, यहां पे 8 बज रहा है, यहां पे 9 बज रहा है, यहां पे 10 बज रहा है, ठीक है। टाइम क्या हो रहा है, चल रहा है, निरंतर चलते रह रहा है। और वस्तु का पोजीशन जो है, जहां पे वस्तु को रखे हैं, ये अपने पोजीशन को चेंज नहीं किया, ये अपने पोजीशन को क्या किया, चेंज नहीं किया। ये वस्तु जो है 7 बजे यहीं पे है, 8 बजे भी यहीं पे है, 9 बजे भी यहीं पे है, 10 बजे भी यहीं पे है। यानी कहने का मतलब कि जो वस्तु समय के साथ अपने स्थिति को परिवर्तित नहीं करता है, जो वस्तु समय के साथ या समय के सापेक्ष अपने स्थिति को परिवर्तन नहीं करता है, अपने स्थान को परिवर्तन नहीं करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेस्ट कहते हैं। तो ये जो ग्राफ जो है आपको किस चीज को प्रेजेंट कर रहा है, रेस्ट को प्रेजेंट कर रहा है। यहां पे लिखेंगे इट्स प्रेजेंट रेस्ट। आई होप टू यू अंडरस्टैंड, आप इस ग्राफ के माध्यम से अच्छी तरह से समझ गए होंगे। नहीं समझे होइएगा तो इस वीडियो को एक बार और आप चला के देख लीजिएगा, बेहतर समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसके हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा डिफिनेशन के बारे में, डिफिनेशन पे चलते हैं। कहता है कि यदि किसी वस्तु
यदि किसी वस्तु का स्थिति समय के सापेक्ष परिवर्तित नहीं होती है उसे रेस्ट या विराम कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए इंग्लिश वाले बच्चों के लिए मैं लिख दे रहा हूं, यहां पे जो भी इंग्लिश मीडियम बच्चे जो होंगे वो आप थोड़ा सा लिख लेंगे। If a position is not changing with time is called rest। अब इसको एक बार और देख लीजिए, कह रहा है कि यदि किसी वस्तु की स्थिति समय के सापेक्ष परिवर्तित नहीं होता है उसे हम लोग रेस्ट या विराम कहते हैं। इफ ए पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी वस्तु का स्थिति जो होता है, पोजीशन जो होता है, समय के साथ नहीं चेंज होता है। चेंजिंग सी, यहां पे ए छूट गया, ठीक है। अब थोड़ा सा स्पेलिंग देख लीजिएगा, ठीक है। इफ ए पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नॉट चेंजिंग विद टाइम इज कॉल्ड रेस्ट, ठीक है। आप इस ग्राफ को एक बार और समझ लीजिए। देखिए अगर मान लेते हैं ये टाइम है आपका, टाइम को प्रेजेंट कर रहा है, नीचे वाला टाइम को प्रेजेंट कर रहा है, ऊपर वाला पोजिशन को प्रेजेंट कर रहा है। किसी वस्तु को हम क्या किए कि यहां पर रख दिए, ठीक है। और ये वस्तु जो है, ये समय जो है, ये तो लगातार कंटिन्यू चल रहा है, 7 बज रहा है, 8 बज रहा है, 9 बज रहा है, 10 रहा है, मतलब ये वस्तु निरंतर, सॉरी ये टाइम जो है निरंतर चलते रह रहा है। लेकिन ये वस्तु जो है ना ही ये यहां आया, ना ही यहां आया, ना ही नीचे गया, ये अपने पोजीशन को निरंतर यहीं पे रखा। यानी किसी वस्तु को हम सुबह में भी देखे तो यहीं पे था, किसी वस्तु को देखे तो सुबह में भी यहीं पे था और शाम में भी यहीं पे था। इसका मतलब इस वस्तु में ये वस्तु जो है ये गतिमान नहीं हुआ, शाम में भी यहीं पे देखे और सुबह में भी यहीं पे देखे, ये दिन भर यहीं पे रह गया। इसका मतलब ये जो है क्या है, रेस्ट में है। ये क्या है, ये रेस्ट में है। इसलिए यहाँ पे मैंने आपको प्रेजेंट किया ग्राफ और दिखाया कि ये वस्तु जो है अपने पोजीशन को थोड़ा सा भी इधर उधर चेंज नहीं किया, किसके साथ, टाइम के सापेक्ष, ठीक है। ये ग्राफ क्या चीज प्रेजेंट कर रहा है, रेस्ट को प्रेजेंट कर रहा है। आई होप टू अंडरस्टैंड, आप समझ गए होंगे। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ठीक है। अगर एक चीज और आपको बताएंगे कि वीडियो जो है बहुत मेहनत से बनता है, तो आपका इसमें थोड़ा सा सहयोग चाहिए। सहयोग इसलिए कि आप अगर वीडियो देख रहे हैं, अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब इसलिए कीजिए कि जो भी यहां से नोटिफिकेशन होगा, जो भी वीडियो बनेगा, सबसे पहले आप देखिएगा, ठीक है। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और लाइक जरूर कीजिए। लाइक कीजिएगा तो मेरा हौसला बढ़ेगा और इससे भी अच्छा बेहतर ढंग से आपको समझाने की कोशिश करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और मोशन के बारे में चर्चा करते हैं। पहले तो मैंने आपको पहला टॉपिक जो था रेस्ट था, तो रेस्ट के बारे में मैंने बताया। अब दूसरा टॉपिक जो है मोशन है, मोशन के बारे में हम आपको बताते हैं। अब देखिए ना, अगर कोई वस्तु है, हम देखते हैं कि कोई वस्तु है, थोड़ी समय पहले यहां पे दिखाई दिया, कुछ समय बाद वहां पे दिखाई दिया, कुछ समय बाद वहां पे दिखाई दिया, कुछ दूर है, मतलब यहां से, मतलब उसका गति में, उसके स्थान में
हरदम परिवर्तन होते रहता है, समय के साथ परिवर्तित होते रहता है। अभी हम देखें तो कोई वस्तु यहाँ पे था, ठीक है, कुछ देर बाद यहाँ चला गया, यहाँ चला गया, यहाँ चला गया, आगे बढ़ते गया। ये वस्तु जो है अभी मान लेते हैं यहाँ पे है, बी स्थान पे चला गया, उसके बाद सी चला गया, डी चला गया, उसके बाद ई चला गया, तो वस्तु क्या कर रहा है, निरंतर क्या कर रहा है, समय के साथ वो क्या कर रहा है, अपने स्थान को परिवर्तन कर रहा है। तो ये वस्तु को हम लोग क्या कहेंगे कि ये वस्तु जो है गतिमान है, ये वस्तु जो है गतिशील है, और ये वस्तु जो है क्या है, गति में है। ये क्या कर रहा है, समय के साथ अपनी स्थिति को चेंज कर रहा है, ठीक है। चलिए इसके लिए भी हम एक ग्राफ बनाते हैं, उसके माध्यम से आपको समझाते हैं। ये वाई एक्सिस हो गया और ये एक्स एक्सिस हो गया, ये पोजीशन हो गया और ये हो गया टाइम, ठीक है। देखिए अगर किसी वस्तु को यहां देखिएगा, अच्छा से समझिएगा, यहां से एक लाइन खींच दिया, ठीक है। अब देखिए ये क्या कर रहा है, आपको पोजीशन को प्रेजेंट कर रहा है, यानी स्थिति, यहां पे लिख दिए स्थिति, यहां पे समय, समय, ठीक है। अब देखिए इसको समझने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक डॉट डॉट लाइन खींचेंगे, यहां पे डॉट डॉट लाइन खींच देंगे, इसको मैच कर देंगे यहां से, ठीक है। अब देखिए अगर मान लेते हैं कि ये 5 सेकेंड हुआ, 5 सेकेंड हुआ, ये 10 सेकेंड हुआ, आगे ऐसे बढ़ता गया, ये 1 मीटर हो गया, ये 2 मीटर हो गया। आपको समझाने के लिए मैं ये ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। अब देखिए कह के मेरे कहने का मतलब ये है कि ये वस्तु जो है 5 सेकेंड में 1 मीटर की दूरी तय करता है, 5 सेकेंड में कितना, 5 सेकेंड में ये क्या कर रहा है, 1 मीटर की दूरी तय कर रहा है, और अगला 5 सेकेंड में ये 2 मीटर की दूरी तय कर रहा है। यानी ये वस्तु जो है, अगर हम वस्तु को यहां रखे, यहां रखे, ये 5 सेकंड में वस्तु कहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया, अगले 5 सेकंड में कहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया, अगले 5 सेकंड में कहां पहुंच गया, इसके स्थिति में लगातार परिवर्तन हो रहा है, किसके साथ, टाइम के साथ। अगर मान लेते हैं कि ये 5 सेकंड में यहां आया, 6 सेकंड में यहां पहुंच गया, यहां पर लिख दिया 6 सेकंड, 6 सेकंड में यहां पहुंच गया, और यहां से क्या किया, डॉट डॉट लाइन खींच दी और इसको यहां मिला दी, ठीक, और ये कितना हो गया, 3 मीटर हो गया, 3 मीटर। समय के साथ अपनी स्थिति को क्या कर रहा है, परिवर्तित कर रहा है। तो जो वस्तु क्या करता है, समय के सापेक्ष अपने स्थिति को, अपने स्थिति को, पोजीशन को क्या करते रहता है, चेंज करते रहता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मोशन कहते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो एक बार फिर से आपको समझा देते हैं इस ग्राफ के माध्यम से, ठीक है। चलिए हम इसको मिटा देते हैं और फिर से समझाते हैं। चलिए मान लेते हैं यहां पे ये हो गया आपका 7, ये हो गया 8, ये हो गया 9, ये हो गया 10, ये हो गया 11, ये हो गया 2, यहां पे हो गया आपका 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, ठीक। ये वस्तु है, ये वस्तु है, ठीक है, इसको हम लोग माने वस्तु, ठीक। ये वस्तु जो है जीरो से चलकर कहां गया, यहां पहुंचा, कहां पहुंचा, यहां पे, कहीं भी पहुंच सकता है, यहां भी है, यहां पे भी डॉट मार लेंगे, यहां पे भी डॉट मार सकते हैं, यहां पे भी डॉट मार सकते हैं, कहीं पे भी मार लेंगे, ठीक है। और इसको देख लेंगे कि ये 1 मिनट में कितना दूरी तय कर रहा है, ठीक है। यहां पे ये थोड़ा सा रॉन्ग हो गया, यहां पे हम डॉट मारेंगे, ठीक। और इसके बाद देखेंगे ये जो है क्या कर रहा है कि 1 घंटा में 1 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है। फिर अगला क्या कर रहा है, ये इतना चल जा रहा है। यानी ये वस्तु जो है समय के सापेक्ष अपने स्थिति को परिवर्तित कर रहा है, अपने स्थान को परिवर्तन कर रहा है। तो ये वस्तु जो है क्या है, गति में है। चलिए अब इसके डिफिनेशन के बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं, ठीक है। हम आशा करते हैं कि आप इस ग्राफ के माध्यम से समझ गए होंगे। ग्राफ मैंने इसलिए बनाया कि अगर आपको ग्राफ समझ में आ गया तो डिफिनेशन आप खुद से लिख सकते हैं। ये स्थिति हो गया, ये समय हो गया, वस्तु जो है लगातार गतिमान है, ठीक है, ये गतिशील है, और स्थिति के साथ साथ, टाइम के साथ साथ ये अपनी स्थिति को क्या कर रहा है, इंक्रीज डिक्रीज कर रहा है। तो ये वस्तु जो है क्या है,
मोशन में है, गति में है। देखिए इसके डिफिनेशन के बारे में हम थोड़ा सा चर्चा है। यदि किसी वस्तु की स्थिति, लिखिएगा, यदि किसी वस्तु की स्थिति, यदि किसी वस्तु की स्थिति समय के सापेक्ष बदलती रहती है, स्थिति समय के सापेक्ष बदलती रहती है, तो वस्तु गति में कही जाती है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले लिख लेंगे। इफ ए पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजिंग with time is called motion. अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो है डिस्क्राइबिंग मोशन, गति का वर्णन। इसमें कुछ ज्यादा पढ़ने का नहीं है, हम आपको थोड़ा सा समझा देते हैं, आप समझ जाइएगा इस बात को। कह रहा है डिस्क्राइबिंग मोशन, गति का वर्णन। अगर आपसे देखिए, डिस्क्राइबिंग मोशन में बस एक ही चीज है कि वस्तु के गतिशील होने से मतलब है कि वस्तु गतिशील है या नहीं है। इसलिए देखिए, हम आपसे नॉर्मली सवाल करेंगे कि आप कहीं यात्रा कर रहे हैं, कहीं भी यात्रा कर रहे हैं, बस से, बाय बस कर रहे हैं या बाय ट्रेन कर रहे हैं, किसी भी आप फोर व्हीलर से आप कर रहे हैं, तो आपसे पूछा जाएगा कि आप कहां पे हैं, आप कहां पे हैं, तो आप सीधे बताएंगे कि हम फलाने जगह पे हैं, ठीक है, या फलाने स्टेशन पे हैं और फलाने दिशा में हैं। आप इतना चीज तो बता सकते हैं कि हम जिस जगह का नाम होगा उस जगह का नाम बता सकते हैं या जहां पे है वहां पे बता सकते हैं। उसके लिए देखिए, गति के वर्णन करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक रिफरेंस बिंदु को चुनते हैं और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसको डिस्क्राइब करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि एक छोटी सी चीज है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। सबसे पहले हम लोग उस जगह को क्या करते हैं, चुन लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे स्टेशन है, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, रिफरेंस बिंदु यानी मूल बिंदु, ओरिजिन पॉइंट हम लोग क्या करेंगे, इसको मान लेंगे, मूल बिंदु लिखते हैं हिंदी में, मूल बिंदु इसको मान लेते हैं, ठीक है। स्टेशन, अगर हमसे कोई पूछे कि आप कहाँ पे है, तो हम बताएंगे कि ये पटना स्टेशन पे है, ठीक है। तो पटना स्टेशन कहने से ही स्पष्ट हो जाएगा कि हाँ ये जो है पटना स्टेशन पे है। तो इसको हम लोग क्या करें, डिस्क्राइबिंग मोशन। इसमें कुछ ज्यादा पढ़ने वाला नहीं है, आगे बढ़ते हैं, यह आप खुद से पढ़ के समझ सकते हैं, थोड़ा सा आपको मेहनत करना होगा रिफ्रेश आपको पढ़ने के लिए। डिस्क्राइबिंग मोशन में कुछ ज्यादा बताने वाला नहीं है। अगला टॉपिक जो है आपका है, मोशन अलोंग ए स्ट्रेंथ लाइन। इसका हिंदी हम लिख देते हैं, सरल या सीधी रेखा पर
सरल या सीधी रेखा पर गतिशील कण की स्थिति, गतिशील कण या वस्तु की स्थिति। अब देखिए, इसको हम सीधी सीधी रेखा से आपको समझा देते हैं। इसको जीरो मान लेते हैं, ओरिजिन पॉइंट इसको मान लिए, ठीक है। इसको क्या मान लिए हम, ओरिजिन पॉइंट मान लिए। इसको मूल बिंदु, मूल बिंदु इसको मान लिए, ठीक। ये क्या हो गया आपका मध्य में, मूल पॉइंट हो गया, यानी मूल बिंदु हो गया, ठीक। दूसरी चीज, इधर हम क्या करते हैं, आप अपने देखिए दाहिने, और ये हो गया आपका दाहिना हो गया, ये हो गया बायां हो गया, ठीक है। ये आपका दाहिना हो गया और ये हो गया, मतलब दाहिना हाथ जिधर जाएगा वो दाहिना जो होगा उधर दायां हो जाएगा, और ये मेरा बायां हाथ है तो ये क्या हो जाएगा, बायां तरफ हो जाएगा। ये राइट हो गया और ये लेफ्ट हो गया। तो आप क्या कीजिएगा, अपने कॉपी पे जब हाथ रखिएगा, कॉपी पे जब हाथ रखिएगा तो आपका दाहिना हाथ जो होगा, दाहिना हाथ जो आप ऐसे कॉपी पे हाथ रखते हैं, कॉपी पे हाथ रखे, ठीक है, ये आपका दाहिना हाथ हो गया और ये हो गया आपका लेफ्ट, लेफ्ट हैंड हो गया, ये राइट हैंड हो गया। तो राइट वाला जिधर होगा, राइट वाला जिधर होगा वो क्या होगा, धनात्मक होगा। राइट वाला जिधर होगा धनात्मक होगा, और लेफ्ट वाला जिधर होगा वो क्या हो जाएगा, आपका ऋणात्मक हो जाएगा। तो इधर देखिए, इधर क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा, धनात्मक, और इधर क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। बहुत बच्चा यहीं पे कंफ्यूज करता है, धनात्मक कौन होता है, ऋणात्मक कौन होता है, निगेटिव कौन होता है, पॉजिटिव कौन होता है, यहीं पे बच्चे जाके क्या करते हैं, अक्सर गलती करते हैं। अब देखिए, यहाँ पे जहां पे ऋणात्मक होगा वहां पे हम क्या करेंगे, प्लस वन करेंगे, प्लस टू करेंगे, प्लस थ्री कर दिए, प्लस फोर कर दिए, और इधर क्या हो जाएगा, माइनस वन हो जाएगा, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर हो जाएगा। ये ओरिजिन हो गया, ठीक है। अब देखिए, अगर मान लेते हैं कोई वस्तु यहाँ पे क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है, ये स्ट्रेंथ लाइन हो गया, क्या हो गया, स्ट्रेंथ लाइन हो गया, यहाँ पे कोई वस्तु ट्रेवल कर रहा है, तो इसको हम लोग कैसे प्रेजेंट करेंगे, कैसे दिखाएंगे, ठीक है, इसको कैसे प्रेजेंट करेंगे। देखिए, इसके लिए हम लोगों को दो चीजों पर ध्यान देना होगा, इसके लिए हम लोगों को दो चीजों पर ध्यान देना होगा। पहला चीज, उस सरल रेखा पर मूल बिंदु को चुनना होता है। इस सरल रेखा पे हम लोग क्या करते हैं, मूल बिंदु को, ओरिजिन पॉइंट को हम लोग सबसे पहले चूज करते हैं, तब जाके स्पष्ट होता है कि वस्तु जो है कहाँ पे है और किस दिशा में है। आपको दिशा की जानकारी नहीं होगी तो मैं यहाँ पे आपको बता देते हैं, ठीक है। ऊपर वाला जब भी रहता है नॉर्थ होता है, ऊपर वाला जब भी होता है नॉर्थ होता है, नीचे क्या होता है, साउथ होता है, नीचे साउथ, ऊपर क्या होता है नॉर्थ यानी उत्तर, नीचे दक्षिण हो गया, ये पश्चिम हो गया, और ये हो गया आपका पूरब, पूरब नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया आपका ईस्ट, ईस्ट हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब उस चीज को हम उठा के यहां पे लाते हैं। अगर ये सरल, ये कोई रास्ता है, यहां पे आप जा रहे हैं, ठीक है, ये रास्ता है आप जा रहे हैं, आपका घर यहां पे हो गया, ठीक, यहां से आप आए, यहां पहुंच गए, मान लेते यहां से चलते हैं, यहां से चलते चलते आप यहां पे आ गए, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि आप जो ओरिजिन पॉइंट है, इस प्लेस का नाम हम कोई भी रख देंगे, इस प्लेस से आप कितने दूरी पे हैं, तो आप बताएंगे कि 10 किलोमीटर हम क्या है, 10 किलोमीटर पूरब है, इससे 10 किलोमीटर क्या है, पूरब है, ठीक। यही ना कहिएगा 5 किलोमीटर पूरब है, 10 किलोमीटर पूरब है, वही है कि मोशन अलोंग ए स्ट्रेंथ लाइन। इसको हम लोग क्या करते हैं, एक सरल रेखा पर प्रेजेंट करके और बताते हैं, रिफ्रेश बिंदु चुन लेते हैं और बताते हैं कि वस्तु कहाँ है, किस स्थिति में है, पूरब में है कि पश्चिम में है, कि कहाँ है, कितने किलोमीटर पे दूर है, बस यही इसमें आपको देखना था, अगर कुछ नहीं है, ठीक। अब चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट हम लोगों को पढ़ना है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। नेक्स्ट हम लोगों को पढ़ना है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। चलिए लिखते हैं, एक समान चाल, एक समान चाल,
यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, एक समान चाल। एक समान चाल में आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। चलिए एक समान चाल में ज्यादा कुछ नहीं करना। देखिए एक समान चाल कहता है कि कोई वस्तु बराबर समय अंतराल में यानी समान समय अंतराल में समान दूरी को तय करता है, समान समय अंतराल में समान दूरी को तय करता है। जैसे आपको बता दें किसी भी गाड़ी का या किसी भी बस का चाल क्या होता है, अगर उसको फिक्स कर दिया जाए कि अगला 5 मिनट में 5 मिनट में 10 किलोमीटर, फिर अगला 5 मिनट में 10 किलोमीटर, फिर अगला 5 मिनट में 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, यानी लगातार ये समान समय में समान दूरी तय हो रहा है, ये समान समय में समान दूरी तय होता है। मतलब कहने का कि एक समान समय में समान दूरी तय हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक समान चाल कहते हैं या यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं, एक छोटा सा ग्राफ बनाते हैं आपके सामने ताकि आपको बेहतर समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए अगर मान लेते हैं ये 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, टाइम हो गया आपका 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर। ठीक है, कोई बस है, यहां पे हमें एक बस बना लेते हैं बड़ा सा, ये गाड़ी हो गया। ठीक है, चलिए ये गाड़ी हो गया, ये गाड़ी जो है 0 किलोमीटर, यहाँ पे 0 किलोमीटर से चला स्टार्ट करता है। ठीक है, ये क्या करता है, 1 घंटा में, यहाँ पे पहला ये 1 घंटा में कितना दूरी तय किया, 5 किलोमीटर। ठीक है, फिर ये दूसरा घंटा में क्या कर रहा है, ये 5 किलोमीटर हो गया और ये क्या हो गया, फिर आपको ये यहाँ पहुंच गया 10 किलोमीटर, 5 से 10 किलोमीटर। फिर अगला ये क्या कर रहा है, ऐसे अपने लिमिट को क्या करता है, देखिए अब इसको हम क्या करेंगे, ये कि दूरी कितना हो गया आपका, यहां से यहां तक 5 किलोमीटर। ठीक है, मतलब 0 से लेके 5 किलोमीटर, फिर यहां से क्या कर रहा है, मतलब अपने समान, मतलब समान दूरी तय कर रहा है। ठीक है, 5 किलोमीटर, फिर यहां पे 1 मिनट रुकिए, ऐसे नहीं समझ में आएगा आपको। ठीक है, 5 किलोमीटर, फिर 5 किलोमीटर, फिर 5 किलोमीटर और फिर 5 किलोमीटर, 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 किलोमीटर। अब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसको यहां से हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, 0 से स्टार्ट हुआ ये बस, अगला 5 किलोमीटर 1 घंटा में, फिर दूसरा 5 किलोमीटर जो है 1 घंटा में, फिर यहाँ पे क्या किया 5 किलोमीटर 1 घंटा में तय किया, फिर ये 5 किलोमीटर, मतलब समान दूरी जो है समान समय अंतराल में ये क्या कर रहा है, तय कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा, यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। ठीक है, हम आशा करते हैं कि आप इसको समझ गए होंगे। इसका डिफिनेशन जो होता है आप इसको नोट कर लीजिए, इसका डिफिनेशन जो होता है लिखिएगा, यदि कोई वस्तु बराबर समय अंतराल में, बराबर समय अंतराल में, या यहां पे बराबर हटा के आप समान समय अंतराल में लिख सकते हैं, बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय करता है, बराबर दूरी तय करता है, तो वस्तु एक समान चाल कही जाती है या कहा जाता है, एक समान चाल कहा जाता है। आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिख लेंगे, इफ एन ऑब्जेक्ट द सेम डिस्टेंस
सेम डिस्टेंस द सेम टाइम टेकन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन. अब इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं. चलिए अगला जो है नेक्स्ट रूल है नॉन यूनिफॉर्म मोशन और समान चाल. अब देखिए क्या होता है कि समान समय अंतराल में यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी को तय करता है कहने का मतलब ये कि हम लोग बाइक चलाते हैं सब कोई बाइक चलाता है ठीक है. अब देखिए क्या होता है कि जब हम लोग फ्री रास्ता मिलता है ना उड़ा देते हैं एकदम गाड़ी को एकदम 60-70 के स्पीड से चलाते हैं तो उस समय जो होता है दूरी ज्यादा तय होता है और टाइम कम लगता है. और जैसे क्या होता है कि ट्रैफिक आता है तो हम लोग अपने स्पीड को कम कर लेते हैं 5 किलोमीटर 0 किलोमीटर कर लेते हैं रोक देते हैं. तो हम लोग प्रतिदिन जो हम लोग ट्रेवलिंग करते हैं गाड़ी जो चलाते हैं वो किस चाल से चलाते हैं असमान चाल से चलाते हैं. यानी कहने का मतलब यह है कि समान समय में असमान दूरी तय होता है हम लोग मतलब स्पीड का कोई ये नहीं रहता है लिमिट नहीं रहता है. अगर हम लोग क्या करते हैं कि 10 के स्पीड से चल रहा है तो 10 के स्पीड से निरंतर चलते जाते तो वो क्या आ जाता है आपका समान चाल में आ जाता है. हम लोग क्या करते हैं कि कुछ दूर हम लोग 30 के स्पीड में चलाते हैं कभी हम लोग 70 के स्पीड से चलाते हैं कभी हम लोग क्या करते हैं अपने स्पीड में निरंतर चेंजिंग करते रहते हैं. तो ये क्या हो गया असमान चाल हो गया. इसका डेफिनेशन लिखिएगा यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में जब असमान दूरी तय करता है तो वस्तु असमान चाल कहा जाता है. तो वस्तु असमान चाल कही जाती है. इंग्लिश मीडियम वाले वो क्या करेंगे पहला वाला डेफिनेशन जो है उसमें थोड़ा सा चेंज कर लेंगे ठीक है. उसमें क्या था कि उसमें सिर्फ नॉट लगा देंगे पहला डेफिनेशन जो था उसमें नॉट लगा देंगे ठीक है. आप इतना तक तो समझ गए होंगे आपको मैंने आज पढ़ा दिया रेस्ट पढ़ा दिया मोशन पढ़ा दिया उसके बाद यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा दिया नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा दिया. अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं काइंड्स ऑफ मोशन के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं. किसके बारे में काइंड्स ऑफ मोशन के बारे में. हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ मोशन के बारे में ठीक है. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट जरूर करेंगे. आप कमेंट करेंगे तो हमको अच्छा लगेगा और वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है भाई मेरे आपसे गुजारिश है ठीक है कि आप क्या करें वीडियो को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें. आप सब सब्सक्राइब कीजिएगा तो होगा क्या कि जब आप जो भी हम यहां से वीडियो डालेंगे सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा ठीक है. और
समझ में आ जाए, आपको बेहतर ढंग से समझ में आ जाए, तो कमेंट करके आप जरूर बताएं कि सर हमको समझ में आया है, ठीक है। इससे मेरा हौसला अफजाई होगा, हम और अच्छा तरह से वीडियो बनाएंगे। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। घर में रहे, सुरक्षित रहे, और आपसे गुजारिश है कि आपको जरूरत हो तभी आप घर से बाहर निकले, और बाहर निकले तो मास्क लगा के निकले और सुरक्षित निकले। जय हिंद, जय भारत।